हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से गिप्पी ग्रेवाल की मच अवेटेड फिल्म हनीमून को लेकर, जो कि फाइनली रिलीज़ तो हो गई है और फिल्म को रिलीज़ हुए 7 दिन पूरे हो चले हैं। जैसे जैसे अगर इस फिल्म ने 6 दिन कंप्लीट कर लिया है तो बस जानेंगे पहले कि इस फिल्म ने 6 दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है और उसको क्या वर्डिक्ट मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म हर दिन एक नया मुकाम अपने नाम कर रही है और जो इसको रिस्पांस मिल रहा है वो भी एक नेक्स्ट लेवल का है। सबसे पहले आपको बता दूं, इस फिल्म को स्टार्टिंग में जो रिस्पांस मिला वो ठीक ठाक था, लेकिन जब बाद में इसका 2-3 दिन हुए तो कलेक्शन बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका था। लेकिन एक बार फिर से हमें हर अगले दिन जंप देखने को मिल रहा है फिल्म के कलेक्शन में। आपको बता दें, फिल्म 35 लाख तक कमा रही थी अपने फ्राइडे को, लेकिन सैटरडे को कमाए 54 लाख रुपये। आज संडे है तो 70 लाख रुपये कमा रही है, जहाँ पर इस फिल्म का इंडियन कलेक्शन हो चुका है 3 करोड़ 61 लाख रुपये का ऑल ओवर 6 दिनों के अंदर अंदर इंडियन से। इंडिया का उस कलेक्शन की बात की जाए तो हो चुका है 4 करोड़ 10 लाख रुपये। ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो ये फिल्म ओवरसीज से 7 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत शानदार कलेक्शन है। यानी कि फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 11 करोड़ प्लस और फिल्म का बजट है 10 करोड़ रुपए। यानी कि फिल्म ने ऑल ओवर बजट की रिकवरी के बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। यानी कि फिल्म एवरेज हिट हो चुकी है अपने बजट को रिकवर करके। देखना ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहता है, 15 करोड़ 20 करोड़ या इससे कहीं ज़्यादा। मेरा मानना यह है कि ये फिल्म 20 करोड़ क्रॉस कर सकती है ओवरसीज़ से, क्योंकि फिल्म का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और जो केमिस्ट्री है जैस्मिन बसीन और गिप्पी ग्रेवाल की, वो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। ऐसे में आपकी राय क्या है हनीमून को लेकर, आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। फिल्म आपने देखी तो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मिल सके ऐसी और भी अपडेट सबसे पहले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।